बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पाकिस्तान आने और जाने की इंटरनेशनल फ़्लाइट शेड्यूल बताऊंगा। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से कौन कौन सी फ़्लाइटें दूसरे मुल्कों में, किन किन मुल्कों में जा रही हैं और कौन कौन से मुल्कों से पाकिस्तान किन तीनों शहरों में फ़्लाइटें आ रही हैं। वीडियो को एंड तक देखें, आपको पता चलेगा कि कोरोना के बावजूद और इस वक्त कौन कौन से मुल्कों में पाकिस्तान से जा रही हैं और किन किन मुल्कों से पाकिस्तान किस किस डेट को आ रही हैं। तीनों शहरों की आने और जाने की बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखें। आज 7 अगस्त है, 7 अगस्त को जो है वो दोहा से कराची आ रही है 3 बजे कतर एयरलाइन, फिर इस्तांबुल से 7 अगस्त को 3:40 पर टर्किश एयरलाइन आ रही है, फिर उसके बाद इस्तांबुल से 3:45 पर टर्किश एयरलाइन आ रही है, फिर उसके बाद बहरीन से 5:30 पे गल्फ़ एयरलाइन आ रही है, मस्कत से 11:10 पे ओमान एयरलाइन आ रही है, फिर दुबई से 5:00 PIA आ रही है, फिर मस्कत से 10:50 पे ओमान एयरलाइन आ रही है, फिर उसके बाद जो है कराची से दुबई जो अब आने की, अब जाने की बता रहा हूँ, कराची से जो जा रही हैं, फिर इस्लामाबाद और लाहौर की भी आने जाने की बताऊँगा। 7 अगस्त को जो है कराची से दुबई जा रही है 2:45 पर एमरेट्स एयरलाइन, फिर उसके बाद कराची से दोहा जा रही है 4:45 पर कतर एयरलाइन, फिर कराची से कोलमपुर जा रही है 4:55 पर टर्किश एयरलाइन, सिंगापुर जा रही है टर्किश एयरलाइन, फिर उसके बाद कराची से रियाद जा रही है 4:55 पर PIA, फिर कराची से इस्तांबुल जा रही है 5:40 पर टर्किश एयरलाइन, फिर कराची से बहरीन जा रही है 6:30 पर गल्फ़ एयरलाइन, फिर कराची से टोरंटो जा रही है 7:20 पर PIA, फिर कराची से मस्कत जा रही है 12:05 पर ओमान एयरलाइन, फिर कराची से मस्कत जा रही 11:50 पर ओमान एयरलाइन, फिर कराची से चाइना जा रही है 11:55 पर एयर चाइना एयरलाइन, अब आपको इस्लामाबाद की बताता हूँ। इस्लामाबाद में कौन कौन सी फ़्लाइटें आ रही हैं और इस्लामाबाद से कौन कौन सी जा रही हैं। 7 अगस्त है, इस्लामाबाद यानी कि इस्तांबुल से इस्लामाबाद आ रही है 3:45 पर टर्किश एयरलाइन, फिर जद्दा से इस्लामाबाद आ रही है 5:50 पर एयर अरेबिया, दोहा से इस्लामाबाद आ रही है 7:20 पर PIA, फिर दुबई से इस्लामाबाद आ रही है 7:30 पर एमरेट्स एयरलाइन, फिर रियाद से इस्लामाबाद आ रही है 8:40 पर एयर अरेबिया, फिर दुबई से इस्लामाबाद आ रही है 7 अगस्त को 8:50 पर PIA, फिर रियाद से इस्लामाबाद आ रही है 9:10 पर एयर अरेबिया, फिर उसके बाद जो है अफगानिस्तान से इस्लामाबाद आ रही है 1:10 पर PIA, फिर कुवैत से कोलमपुर से इस्लामाबाद आ रही है 4:10 पर PIA, शारजा से इस्लामाबाद आ रही 6:40 पर एयर अरेबिया, फिर दुबई से इस्लामाबाद आ रही है 9:15 पर एयर अरेबिया। अब इस्लामाबाद से कौन कौन सी फ़्लाइटें जा रही हैं वो सुने। 7 अगस्त है, इस्लामाबाद से दुबई जा रही है 2:02 एमरेट्स एयरलाइन, पर इस्लामाबाद से कोलमपुर जा रही है PIA, फिर इस्लामाबाद से दोहा जा रही है 3:40 कतर एयरलाइन, इस्लामाबाद से दुबई जा रही है 4:05 पर एयर अरेबिया, फिर इस्लामाबाद से रियाद जा रही है 4:25 पर PIA, फिर इस्लामाबाद से इस्तांबुल जा रही है 5:40 पर टर्किश एयरलाइन, फिर इस्लामाबाद से अबू धाबी जा रही है 8:00 एयर अरेबिया, फिर इस्लामाबाद से दुबई जा रही है 9:20 पर एमरेट्स एयरलाइन, फिर इस्लामाबाद से अफगानिस्तान जा रही है 10:10 पर PIA, फिर इस्लामाबाद से जद्दा जा रही है 4:00 PIA, फिर इस्लामाबाद से दुबई जा रही है 7 अगस्त को 6:30 पर फ्लाई दुबई, फिर इस्लामाबाद से दमाम जा रही है 9:45 पर PIA, फिर इस्लामाबाद से रियाद जा रही है 10:25 पर एयर अरेबिया, फिर इस्लामाबाद से शारजा जा रही है 11:35 पर PIA, फिर इस्लामाबाद से अबू धाबी जा रही है 11:45 पर PIA। अब आपको लाहौर की आने और जाने की फ़्लाइट का शेड्यूल बताऊँगा।
जद्दा से लाहौर आ रही है 7 अगस्त को 3:30 पे पी आई है। फिर दोहा से इस्लामाबाद लाहौर आ रही है 7 अगस्त को 3:30 पे कतर एयरलाइन। फिर जद्दा से लाहौर आ रही है 4:05 पे एयर अरेबिया। फिर इस्तांबुल से लाहौर आ रही है 4:15 पे टर्किश एयरलाइन। मस्कत से लाहौर आ रही है 5:50 पे पी आई है। दमाम से लाहौर आ रही है 6:25 पे पी आई है। फिर अबू धाबी से लाहौर आ रही है 10:15 पे एयर अरेबिया। फिर रियाद से लाहौर आ रही है 1:55 पे पी आई है। फिर उसके बाद दुबई से लाहौर आ रही है 4:15 पे एयर अरेबिया। फिर दुबई से लाहौर आ रही है 7:35 पे पी आई है। फिर मदीना शरीफ से लाहौर आ रही है 7 अगस्त को 9:05 पे पी आई है। फिर दोहा से लाहौर आ रही है 9:15 पे कतर एयरलाइन। अब लाहौर से कौन कौन सी फ़्लाइटें जा रही हैं वो भी सुने आप। लाहौर से दुबई जा रही है 4:00 एमिरेट्स एयरलाइन 7 अगस्त को। लाहौर से रियाद इस्तांबुल जा रही है 6:10 पे टर्किश एयरलाइन। फिर लाहौर से दुबई जा रही है 8:10 पे एयर अरेबिया। फिर लाहौर से शारजा जा रही है 8:15 पे पी आई है। फिर लाहौर से मदीना जा रही है 10:15 पे पी आई है। फिर लाहौर से दुबई जा रही है 11:45 पे पी आई है। फिर लाहौर से मस्कत जा रही है 3:30 पे ओमान एयरलाइन। फिर लाहौर से जद्दा जा रही है 4:15 पे पी आई है। फिर लाहौर से दुबई जा रही है 5:30 पे फ्लाई दुबई। फिर लाहौर से जद्दा जा रही है 5:30 पे एयर अरेबिया। फिर लाहौर से कोलमपुर जा रही है 9:25 पे। फिर लाहौर से शारजा जा रही है 9:45 पे पी आई है। फिर लाहौर से दोहा जा रही है 11:05 पे कतर एयरलाइन। ये थे फ़्लाइट के शेड्यूल। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई से नई अपडेट्स आप तक पहुँचें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं पाकिस्तान आने और जाने की इंटरनेशनल फ़्लाइट शेड्यूल बताऊँगा। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से कौन कौन सी फ़्लाइटें दूसरे मुल्कों में, किन किन मुल्कों में जा रही हैं और कौन कौन से मुल्कों से पाकिस्तान के इन तीनों शहरों में फ़्लाइटें आ रही। वीडियो को एंड तक देखें, आपको पता चलेगा कि कोरोना के बावजूद और इस वक्त कौन कौन से मुल्कों में पाकिस्तान से जा रही हैं और किन किन मुल्कों से पाकिस्तान किस किस डेट को आ रही हैं। तीनों शहरों की आने और जाने की बताऊँगा, वीडियो को एंड तक देखें। आज 7 अगस्त है, 7 अगस्त को जो है वो दोहा से कराची आ रही है 3:00 कतर एयरलाइन। फिर इस्तांबुल से 7 अगस्त को 3:40 पे टर्किश एयरलाइन आ रही है। फिर उसके बाद इस्तांबुल से 3:45 पे टर्किश एयरलाइन आ रही है। फिर उसके बाद बहरीन से 5:30 पे गल्फ़ एयरलाइन आ रही है। मस्कत से